हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाप अप टेक्निकल पे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें थोड़ा मैं बिजी था, लेकिन चलिए देर से ही आपको कुछ नया सिखाने के लिए आया हूँ और बहुत ही ईजी तरीके से। जैसे कि हम अपना माई पी सी ऑन करते हैं, माई पी सी पे जाते हैं और उसमें हमें सी ड्राइव ही ओनली शो होता है। डी ई या देखिए डी हमारा डीवीडी राइटर है, ई एफ ऐसा कुछ भी यहाँ पे और अदर ड्राइव शो नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग घबरा जाते हैं कि बाकी का किधर गया, क्योंकि उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं या वो नई फॉर्मेट मारे रहते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि उनका ई और एफ ड्राइव किधर है। तो इसमें इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ती है। तो चलिए आपको बताता हूँ वो छोटी सी सेटिंग है क्या। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। और सबसे पहले आप ये सर्च बॉक्स में जाओ। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप करो डिस्क मैनेजमेंट। तो ऐसे लिख के आ जाएगा क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। तो इस पर आप क्लिक करो ओके। तो देखिए यहाँ पे सी ड्राइव दिख रहा है आपका, लेकिन यहाँ पे देखिए अनलोकेटेड। इसको अनलोकेटेड है इसके लिए आपके वहाँ पीसी पे और माई पीसी पे नहीं शो कर रहा है, ओनली सी ड्राइव ही पार्टीशन आपका ड्राइव शो कर रहा है। तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे इसको हम क्रिएट कर सकते हैं पार्टीशन को। तो हम अपने हिसाब से इसका साइज हम पार्टीशन डाल सकते हैं। जैसे मुझे 62 डालना था, मुझे दो पार्टीशन इतने में ही बनाना है। तो नेक्स्ट करते हैं और अगेन नेक्स्ट करते हैं, फिर फिनिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा एक पार्टीशन रेडी हो गया, ओपन होके आ गया है। तो अभी ये सेकंड दिखा रहा है, इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करके न्यू सैंपल वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और यहाँ जो भी टोटल उसकी कैपेसिटी बची हुई है दिखा देता है ऑटोमेटिक, यहाँ पे हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे सी ड्राइव है, आप देख ही रहे हो, तो यहाँ पे बाकी आप जेड वाई डब्ल्यू जो भी है आपको अच्छा लगता है ए बी, तो उसके हिसाब से यहाँ रख सकते हो। लेकिन फिलहाल मेरा ऑटोमेटिक आ गया है तो मैं इसको रहने देता हूँ। फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट, फिर फिनिश। देखिए हमारा ये भी पार्टीशन रेडी हो गया। तो चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो माय पीसी में सी ड्राइव दिखा रहा है और साथ में मेरे दोनों ई और एफ ड्राइव दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये एक्चुअली ये मुझे लगता है कि हर पीसी में ये अलग ड्राइव होनी चाहिए, क्योंकि ये अलग ड्राइव होती है तो बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि देखिए सी ड्राइव क्या होता है कि कभी आपका करप्ट हो गया तो हम अगर विंडो फॉर्मेट मारते हैं तो सी का जो भी डाटा है सब फॉर्मेट हो जाएगा, लेकिन ई और एफ सेफ रहता है। तो आप यहाँ जो भी रखेंगे, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये फाइल इसके अंदर रखता हूँ, तो अभी जो भी ये फाइल रखेंगे आप, ये यहाँ पे सेफ रहेगा। तो इसके लिए हम सी के अलावा अलग पार्टीशन बनाते हैं। जिस कंप्यूटर में ओनली सी पार्टीशन रहता है, ड्राइव रहता है, तो इसमें क्या होता है, जो भी आप फाइल सेव करके रखेंगे कभी करप्ट होता है तो उसको हम फॉर्मेट मारेंगे तो न्यू विंडो इंस्टॉल करेंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि हम सी के अलावा दूसरे पार्टीशन, दूसरे ड्राइव भी हम रखें, जिसमें हम अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रख सकें, जो कभी हम फॉर्मेट मारे तो वो सेफ रहे। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।